फ्रेंड्स, मैं दीपाश्री स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपाश्री कुमारी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करौंदे का अचार जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए करौंदे का अचार बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लगभग 250 ग्राम हमने करौंदे लिए हैं और ये मीडियम साइज के हैं, मतलब ज़्यादा ना ही ये बड़े हैं और ना ही ये छोटे हैं बहुत ही। तो ये मीडियम साइज के करौंदे हमने इससे लिए हैं, ये देख सकते हैं। करौंदे को हम सबसे पहले अच्छी तरह से धो करके इसे हम 2 घंटे के लिए धूप में सुखा लेंगे। इसके हम बीच में से इस तरह कट लगाएंगे और इसके बीजों को हम निकाल लेंगे। अगर ये ज़्यादा मतलब कि छोटे होंगे, मतलब कि ये बच्चे अगर करौंदे आपके पास हो तो इसके बीजों को आप रहने दे सकते हैं, लेकिन ये मीडियम साइज़ के हैं, इसके जो बीज है वो थोड़े से हार्ड हो चुके हैं तो मैं इसे निकाल करके हटा दूंगी, नहीं तो ये इससे जो है करवाहट आने लगती है बीजों से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सभी बीजों को निकाल लिए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही करौंदे को कट कर लिए थे और बीजों को भी लगभग मैंने निकाल ही चुकी थी और ये थोड़े से आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अभी कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे सभी करौंदे जो है कट चुके हैं और इनके बीजे भी निकल चुकी है। तो अब हम इसके मसाले की तैयारी करेंगे। तो गैस पर हमने एक पैन चढ़ाई है और इसमें हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच सरसों का दाना। आप चाहे तो इसमें सरसों के दाना के साथ आप राई भी डाल सकते हैं, ब्लैक वाली। और इसके बाद हमने 1 चम्मच पाँचफोरन डाली है और 1 चम्मच हमने डाले हैं छोटे वाले चम्मच से जीरा। और इन सभी को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और इसी का कलर जो है हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसे हमें गर्म कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है भून चुकी है, बस थोड़ी देर इसे हम इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे और इसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का ठंडा होने देंगे। और इसके बाद हम इसी पैन में जो है सरसों का तेल गर्म होने के लिए रखेंगे और सरसों का तेल हम इतना गर्म करेंगे जिससे कि हमारा जो ये तेल हम इसमें डाले हैं इसमें से धुआं आने लगे। तब तक हम इस तेल को गर्म करेंगे और इसके बाद हम इधर मसाले को जो है पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मसाले को पीस लिए हैं। तो अब हम एक बड़े से बाउल में इस तरह से डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच नमक। तो अचार में हमें नमक थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ही अच्छी लगती है, इसका टेस्ट जो है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद जो हमने तेल को गर्म करे हैं तो अब तक ये तेल जो है हल्का सा ठंडा हो चुकी है। तो अब हम तेल को इसमें डाल करके इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तेल को डाल दिए हैं, थोड़ा सा तेल अभी हमने रहने दिए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम बाद में इसमें डाल देंगे। और चम्मच से इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि जो मसाले का कलर है कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है और इसी से जो हमारा अचार है ये बनकर तैयार हो जाएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए करौंदे और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो है इंस्टेंट अचार जो है करौंदे का बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन अगर आप इसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो इसे आप 2 दिन के लिए धूप में सूखने देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसे लंबे समय तक स्टोर करके रखूँगी। तो अभी मैं इसे छत पे 2 दिन के लिए सूखने के लिए डाल देती हूँ और अभी आप चाहे तो इसे अभी भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। और नमक भी यहाँ पे आप इसे एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो ऊपर से थोड़ा सा नमक और इसमें डाल दे सकते हैं। और यहाँ पर 2 दिन के बाद देख सकते हैं कि हमारा जो अचार है बहुत ही अच्छी तरह से सूख चुका है और अब मैं इसे स्टोर करके रख दूंगी। जैसे कि इसे हम साल भर भी खा सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा थोड़ी सी कम है तो ये तो साल भर चलेगी भी नहीं, लेकिन आप चाहे तो इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे करौंदे का अचार जो है बन चुकी है। और आप लोगों को हमारी यह रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम इसी तरह की और भी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।